Hello and very good morning to all. This is me, Rahul Bhardwaj, and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. All of you are welcome to the class. Please let me know that I'm audible, everything is fine. This is our daily current affair class that we do on daily basis. Am I audible, guys? Please confirm at once. So let's get started, and all is fine. Thanks, Ashish. Okay, start karte hain. Today you will be having this MCQ series class as well. Okay, aaj aapki rahegi jo daily basis pe ho rahi hai. So I will share the link. I will share the link on the Telegram group. Ya jo mera page hai, yahan pe aapko link visible ho jayega after 10 o'clock. This link will be visible. And apart from this, you can get benefit of this subscription offer. This is again very important. 14th of April se pehle, okay, agar aap le rahe hain, to aapko ye pure books mil rahi hain, jahan pe pura syllabus cover hai. Uski hard copy aapko send ki jayegi. Around 20 books are there. Almost 100% of the syllabus is covered. Okay, notes form mein hai. Standard books aapki sari covered hain. Current affairs se updated hain. So this is a kind of value addition if you go for the subscription till 14th of April. इसके साथ आपका ये चल ही रहा है जिसमें आपको जुलाई 31st तक वैलिड रहेगा. अगर आप अप्रैल में ले रहे हो तो आपका सब्सक्रिप्शन जुलाई 31st तक वैलिड रहेगा. अगर आप जुलाई के अंदर भी लोगे तो भी उसकी वैलिडिटी जुलाई तक ही है. तो ये एक चार महीने का लगभग बेनिफिट आपको है. यू कैन डेफिनेटली गेट गो फॉर दिस. सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से आपको अपना प्लान चूज करना है. देन यू नीड टू पुट द कोड दैट इज़ आरबी लाइव टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस. Okay, during your preparation, whenever you find it difficult, कोई भी confusion है, you can interact on personal basis. So this is the benefit of using this code, that is RB Live. Similarly, you can opt for Iconic with added benefits, and almost all the optionals are available on Unacademy platform. तो आज आपका ये scholarship test है, today 11 AM. Okay, ये free आपका होता है, and ओके, यू कैन टेक फ्यू सेकंड्स हियर. आपका जो चैट बॉक्स है वहाँ पे एक पिन होगा, लिंक पिन है आपके चैट बॉक्स में. ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के चैट बॉक्स में एक लिंक पिन है, दैट इज ऑफ दिस स्कॉलरशिप टेस्ट. इस पे आप क्लिक कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो. अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर लीजिए. एंड दिस इज फ्री. टू अनलॉक दिस टेस्ट यू कैन यूज द कोड दैट इज आरबी लाइव. सो यू कैन टेक फ्यू सेकंड्स टू डू दिस एनरोलमेंट थिंग. यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी. ओके, काफ़ी सारे इसके अंदर आपके पास में है. फ्री सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. सो प्रीलिम्स फॉर्मेट में रहेगा, 60 मिनट 60 क्वेश्चंस. फाइन, यू विल गेट टू नो योर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द अदर कंपटीटर्स. चलिए, टेस्ट सीरीज आपकी है ही डेफिनेटली. साइंस एंड टेक से स्टार्ट करेंगे. साइंस एंड टेक एनवायरमेंट है. देन विल मूव टू द इंटरनेशनल रिलेशन. फाइन, चलिए. सो दिस इज द फर्स्ट वन, हिंट ऑफ न्यू फिजिक्स. ओके, फिजिक्स के अंदर कुछ एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे शो हो रहा है. एक बहुत ही एनकरेज, एक एक्सपेरिमेंट है. ओके, एक प्रयोग किया जा रहा है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम दे रखा है इन्होंने म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट. है ना, म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट है. फर्मी लैब एक लैब है. ओके, यूएसए के अंदर है. यू हैव दिस अमेरिकन पार्टिकल एक्सीलरेटर. ओके, तो यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसे इन्होंने नाम दिया म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी फाइंडिंग्स काफ़ी एनकरेजिंग है. क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम म्यूऑन को जानते हैं. म्यूऑन क्या होता है और ये जी का क्या मतलब है, है ना. म्यूऑन क्या है और ये जी का क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं. देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपने देखा है तो उससे थोड़ा हैवी होता है. म्यूऑन जो होता है इसको इस म्यू के साइन से शो किया जाता है. ये ग्रीक म्यू जो लेटर है इसके साइन से आपका शो किया जाता है. नाउ द थिंग इज दैट एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसी तरह से म्यूऑन भी होता है. विथ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओके, माइनस में इसका -1, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. स्पिन होता है, ओके, हाफ स्पिन इज देयर, बट विथ मच ग्रेटर मास. इसका जो मास होता है इन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज मच ग्रेटर. तो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में इसका मास ग्रेटर है. कई बार इसको फैट इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं क्योंकि मास ज़्यादा है ना, जिसका वेट ज़्यादा होता है हम कहते हैं फैटी है, समथिंग लाइक दिस. एक्सक्यूज मी. सो और इसको क्लासीफाई किया गया है लेप्टॉन की तरह. तो आप देखोगे जो न्यूट्रिनोज हैं या फिर जो ये आपका है म्यूऑन्स हो गया, ताउज हैं,
ये जो है लेप्टॉन के रूप में इनको क्लासिफाई किया गया है। लेप्टॉन क्या है, एक तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, जैसे आपके म्यूऑन्स हो गया, न्यूट्रिनोज हो गए, एंड एलिमेंट्री पार्टिकल है ऑफ हाफ इंटीजर स्पिन। ओके, हाफ इंटीजर स्पिन है, स्पिन जो इनका होता है हाफ होता है। दैट डज नॉट अंडरगो द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, मतलब ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं करते हैं ओके, जो आसपास वहाँ पे मैटर है उनसे। द टू मेन क्लासेस ऑफ लेप्टॉन्स एग्जिस्ट, चार्ज्ड लेप्टॉन होते हैं जिसके अंदर आपके ये सब आएंगे, इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, क्योंकि ये चार्ज है ना। और न्यूट्रल लेप्टॉन्स के अंदर आपके न्यूट्रिनोज आ जाएंगे, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, तो इनको लेप्टॉन के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो अभी आप तो एक तो हम समझ गए म्यूऑन क्या है ओके। म्यूऑन नेगेटिवली चार्ज है, हैवी इसका मास है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन, अगेन वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल ये है। इसके अलावा हमने लेप्टॉन्स का भी पता किया, अच्छा लेप्टॉन का मतलब ये होता है। अब हम आते हैं वापस से इस न्यूज के ऊपर, ये क्या कह रहा है, म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। तो ये जो जी है ओके, जी जो है ये आपने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक वैल्यू क्रिएट किया है ना। ये जो म्यूऑन, ये जो पार्टिकल है आपके, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है म्यूऑन जो है, ये क्या है, ये हमने देख लिया एक तरह से फैट इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, दिस एक्सपेक्टेड टू हैव ए वैल्यू ऑफ टू फॉर इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओके। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके लिए जो इस मैग्नेटिक मोमेंट को इन्होंने स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया है। ये जो स्मॉल जी दिख रहा है इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक मोमेंट ओके, मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट को इन्होंने मीजर किया और ये इनको मिला द वैल्यू टू फॉर इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है। However, the muon exists not in isolation but embedded in a sea of particles. Okay, ये isolation में नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारे different particles हैं उनके साथ interaction के अंदर आपका मिल रहा है okay, उसकी वजह से ये जो आपके values हैं okay, ये change होती रहती हैं। Now the thing is that इन्होंने ये जो experiment करा muon G2 experiment, इस experiment से इनको ये मिला कि आपका ये जो value है okay, जी जो है, ये जो जी की वैल्यू आपकी आ रही है, तो पहले इसी तरह से एक पहले भी एक्सपेरिमेंट हुआ था ओके, दैट वाज अराउंड 20 ईयर ओल्ड एक्सपेरिमेंट इट इज़ ओके। और उसके अंदर जो आपका 2001 का ये एक्सपेरिमेंट है ना, जिसे आपने कहा ब्रुक हेवन एक्सपेरिमेंट, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इसकी वैल्यू फाइंड की थी। तो वो जो वैल्यू था, जो स्टैंडर्ड इन्होंने मॉडल फॉलो किया था, जो स्टैंडर्ड मॉडल के थ्रू वैल्यू मिली थी, अभी ये जो है आपका जी टू एक्सपेरिमेंट, दोनों की वैल्यू के अंदर डिफरेंस है ना, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। इसका क्या ये एक चीज़ क्या सिग्निफाई कर रही है कि इनकी वैल्यू में ओके, ये जो जी है मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी वैल्यू में डिफरेंस मिल रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो म्यूऑन है ओके, ये जो आपका म्यूऑन है, ये किसी ओके दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनसे भी इंटरेक्शन कर रहा है ओके, दूसरे पार्टिकल से भी इंटरेक्शन कर रहा है, इसकी वजह से इसका ये जो जी है ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो नए पार्टिकल हैं ओके, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स में ये खोज की जा रही है कौन कौन से नए पार्टिकल हैं, ये हमें पता चले ओके। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ये जो डिस्कवरी है म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट वाली, ये हमें क्या हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी ये जो नए पार्टिकल्स हैं ओके, दीज न्यू पार्टिकल्स कुड बी एनीथिंग, आपका डार्क मैटर भी हो सकता है ओके, जिसको हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। सो दीज इंटरेक्शंस मेक कोरिलेशन टू द जी फैक्टर एंड दिस अफेक्ट द ओके प्रिसीजन ऑफ द म्यूऑन ठीक है। सो इफ जी फैक्टर डिफर्स फ्रॉम द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द स्टैंडर्ड मॉडल, इट कुड सिग्निफाई दैट दे आर न्यू पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इन्होंने 20 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट करा, वहाँ पे ये जो आपका जी की वैल्यू आ रही थी ओके, वो वैल्यू और अभी जो जी की वैल्यू आ रही है म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट में, इन वैल्यू में डिफरेंस है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि ये जो वैल्यू में डिफरेंस है ये किस वजह से हो सकता है, कुछ नए आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे उसकी वजह से आपकी रीडिंग के अंदर चेंज होगा जी की रीडिंग। तो ये बता रहा है कि इस तरह से नए पार्टिकल चेंज है और यही नए पार्टिकल हम खोजना चाह रहे हैं। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट इज इन न्यूज़ ओके, ये आपका न्यूज़ के अंदर है ठीक है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये म्यूऑन क्या होता है, लेप्टॉन क्या होते हैं, ये ध्यान रखिए फाइन। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो म्यूऑन जी टू एक्सपेरिमेंट है किस कंटेक्स में, क्योंकि ज़्यादा डीप में इस तरह से नहीं जाएगा टेक्निकल के अंदर, एक जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है, प्रिलिम्स के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो ये जो जी टू एक्सपेरिमेंट है फर्मी लैब में जो किया जा रहा है यूएसए की लैब में, प्रोमिसेस टू बी ए टॉर्च बियरर इन द सर्च ऑफ न्यू फिजिक्स। तो न्यू फिजिक्स के अंदर जो आप नए पार्टिकल्स ढूंढ रहे हो वहाँ पे एक नई बहुत ही एक ये खोज के रूप में देखा जा रहा है, दिस जी फैक्टर इज देयर।
और ये जी फैक्टर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसमें आप देख सकते हो ओके, जब आप प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपेरिमेंट, और ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा ओके, ये इस तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे इसको रखा जाता है, एंड लाइक द इलेक्ट्रॉन म्यूऑन हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ विच इट व्हेन इट हैज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इसे रखेंगे तो ये क्या करेगा, वॉबल करेगा ओके, वॉबल करेगा स्लाइटली, और एक्सिस ऑफ स्पिनिंग द टॉप स्पिन करेगा, ठीक है ना, इट्स इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट, द जी फैक्टर डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ दिस वॉबल, ठीक, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है इस न्यूज से, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं, दिस इज अबाउट क्वासर्स ओके, ये है तो छोटी सी न्यूज लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको हमने अभी अराउंड कपल डे बिफोर यस्टरडे वी कवर्ड दिस इन पीआईबी एज वेल, ठीक है, क्या ये कह रहा है, अ डजन क्वासर से डिस्कवर्ड, तो पहले तो क्वासर देखते हैं क्या होता है, क्वासर मतलब जो आपकी डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं, जो दूर दूर गैलेक्सीज हैं, जैसे हमारी मिल्की वे है, आकाशगंगा है, वैसे दूर दूर जो गैलेक्सी हैं उनके जो कोर हैं ओके, डिस्टेंट जो गैलेक्सीज हैं उनके जो कोर होते हैं ओके, वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सुपर मासिव ब्लैक होल इस तरह से पावर कर रहे होते हैं, तो ये जो एक्सट्रीमली ल्यूमिनस ये गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, इनको आपने क्वासर नाम दे दिया। अब न्यूज़ में क्या है कि आपने काफ़ी सारे क्वासर्स इस तरह से इन्होंने जो है डिस्कवर किए हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किए हैं, और उसमें एक रेयर चीज़ इन्होंने देखी है कि ये जो क्वाड्रापली इमेज्ड क्वासर्स हैं ओके, ये देखा जा रहा है, मतलब क्वासर तो आपका एक ही है ओके, ये क्वासर है तो ये एक ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, बीच में जो गैलेक्सी है, यहाँ पे अर्थ है, अब हम इस क्वासर को देख रहे हैं, तो बीच में जो गैलेक्सी है वो लेंस का काम कर रही है, और इस क्वासर की हमें चार इमेजेस दिखाई दे रही हैं ओके, तो इसे हम कह रहे हैं क्वाड्रपली इमेज्ड क्वासर्स, फाइन, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस गैलेक्सी, ये जो ग्रेविटी है लाइट को बेंड कर रही है, लेंस की तरह काम कर रही है, इसलिए ये हमें चार अलग अलग आपकी इमेजेस दिखाई दे रही हैं, इसको आपका कुछ ऐसे ही नाम दे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ, अगर ये आपके वॉल्फ पॉ ओके पंजे के जैसा लग रहा है, वॉल्फ के यू हैव दैट ड्रैगन काइट एट्सेट्रा, ये कुछ इन्होंने नाम दिए हैं। ये क्या हेल्प करेगा, ये हमें हेल्प करेगा यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को पता करने में, मतलब यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को लिए आप क्या यूज़ करते हो, हबल लेमेट्रिक कांस्टेंट ये यूज़ किया जाता है, तो इसके मतलब बहुत ही करेक्ट कैलकुलेशन में ये चीज़ हमें हेल्प कर रही है, फाइन। एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे आते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर क्या न्यूज़ है, या गैलेक्सी, गैलेक्सी की ग्रेविटी जो है वो बेंड कर रही है, लाइट सीधा आ रहा है लेकिन उसको बेंड कर रही है, तो उसकी वजह से एक ही जो है उसके चार आपको अलग अलग इमेजेस दिख रहे हैं। दिस इज अबाउट द ट्रिलोबाइट ओके, ब्रीदिंग ट्रिलोबाइट, ये जो ट्रिलोबाइट है ये एक आपके एक्सटिंक्ट हो चुका है एंशियंट आपके मरीन ऑर्गेनिज्म ये था, और यहाँ पे एक्चुअली जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ठीक है ना, ये स्टडी करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, ट्रिलोबाइट कुछ इस तरह के ये दिखाई देते हैं ओके, अभी तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जैसे डायनासोर आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फाइन, तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है साइंटिस्ट देखना चाह रहे हैं इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, और उसी प्रोसेस के अंदर ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है लाइफ आपकी वाटर के अंदर थी, फिर वाटर से लैंड के ऊपर जब आई ओके अराउंड 370 मिलियन ईयर्स अगो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं ना, जैसे कि आपके जो फिन्स हैं ओके, यू हैव दैट फिन्स जो होते हैं फिशेस के, वो लिम्स में कन्वर्ट होने लग गए ओके, गिल्स जो होते हैं वो लंग्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन जो हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एयर ब्रीदिंग के लिए, इसके अंदर क्या कोई एक ऐसा लिंक हमें मिल रहा है, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो ट्रिलोबाइट है, ब्रीदिंग ट्रिलोबाइट है, ये हमें एक लिंक के रूप में मिलता है, और एविडेंस ऑफ एडवांस्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन 450 मिलियन ईयर ओल्ड सी क्रीचर्स कॉल्ड ट्रिलोबाइट्स, तो ट्रिलोबाइट क्या होते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यही इसका इंपॉर्टेंस है, ट्रिलोबाइट आपके एंशियंट सी क्रीचर है जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें बहुत ही एडवांस्ड आपके ब्रीदिंग ये जो ऑर्गन्स हुआ करते थे ओके, दे यूज द गिल लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग ऑफ देयर थाइज, इनकी जो थाइज है यहाँ पे इस तरह से, वहाँ पे ये इसको यूज़ कर रहे हैं गिल लाइक स्ट्रक्चर को, फाइन, इसे आप याद रखिए, और ये जो है आपका एंथ्रोपोड ओके, एंथ्रोपोडा जो है ग्रुप, जहाँ पे आपके अर्थवॉर्म और स्कॉर्पियो स्कॉर्पियंस ओके, यू हैव ऑल दीज
बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट ओके जो बिलोंग कर रहे हैं कुछ उसी तरह का इस ये भी उसी से बिलोंग करता है उसी की एक क्लास है सो दिस मच यू शुड अवेयर अबाउट फाइन नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं डॉल्फिन तो डॉल्फिन को लेके आज दो न्यूज़ हैं एक आप फ्रंट पेज पे देखोगे एक आप साइंस वाला पेज है सो द डॉल्फिन एक तो न्यूज़ है डॉल्फिन बूम इन द उड़ीसा चिलिका लेक ठीक है उड़ीसा चिलिका लेक चिलिका लेक जो है उड़ीसा की वहाँ पे आपने डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट डबल हो गई है ये देख रहे हैं नाउ द थिंक इज दैट पहले एक बार चिलिका लेक को देखते हैं फिर हम डॉल्फिन पे आएंगे चिलिका लेक आपकी रामसर साइट है यस और नॉट क्या ये रामसर साइट है इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन द इंडिया टेल मी द नेम लेटेस्ट वन कौन सी है उसका नाम भी बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर साइट्स ओके यू कैन एक्सपेक्ट अगर हम कहें टॉप 5 या टॉप 10 टॉपिक उस तरह से आपका रहेगा बाकी यूपीएससी पे है अगर पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिशन इसमें हुआ है ना अभी आपके 42 साइट्स हो गई हैं एंड सोकर लेक कॉम्प्लेक्स जो है लद्दाख के अंदर ये आपका लेटेस्ट वन है ना सोकर लेक आपकी हाइपरसलाइन लेक है और ये कॉम्प्लेक्स क्यों है क्योंकि इसी के साथ एक फ्रेश वाटर लेक भी आपने ऐड की है दैट इज स्टार सपूक ओके सो इज देयर जो कि फ्रेश वाटर लेक है तो दो लेक हैं दोनों को आपने रामसर साइट में ऐड किया है दोनों लद्दाख के अंदर हैं लद्दाख में एक और है दैट इज सो मोरेडी ओके दैट इज अगेन द रामसर साइट चिलिका लेक भी रामसर साइट है और चिलिका लेक में ये कह रहे हैं कि ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ना ब्रैकिश वाटर है अब आपने या तो फ्रेश वाटर सुना होगा या सलाइन वाटर ठीक है ना ये हम सुन रहे हैं सॉल्ट ये ओशन का वाटर है सलाइन है सॉल्टी वाटर है फाइन तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है देखिए फ्रेश वाटर सेलिनिटी जो होता है उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं ओके इफ यू हैव दिस सेलिनिटी सेलिनिटी के बेसिस पे आप डिफाइन करते हो फ्रेश वाटर अगर सेलिनिटी 5 PPT से कम है तो हम कहेंगे ये फ्रेश वाटर है जैसे आपके नदी का पानी है ये सब फ्रेश वाटर है 5 PPT है ना और अगर यही सेलिनिटी आपका यू हैव दिस सेलिनिटी अगर 25 PPT से ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये सी वाटर वाले में आ जाता है सलाइन वाटर है आपके ठीक है अभी 5 से 25 के बीच में क्या आता है 5 से 25 के बीच में आपके जैसे एस्चुरीज है जहाँ पे नदी का पानी मिल रहा है समंदर में ओके ऐसे जो मैंग्रूव्स हैं ऐसे जो ट्रांजिशनल आपके इकोसिस्टम है उन पे क्या होता है ब्रैकिश वाटर उन्हें कहा जाता है क्यों क्योंकि सैलिनिटी ना तो उनकी फ्रेश वाटर में है ना सलाइन में है ओके बीच के अंदर है इसलिए हम उनको ब्रैकिश वाटर कह रहे हैं अब हम इस न्यूज़ पे आते हैं जो कि डॉल्फिन की बात कर रहा है ओके ये कह रहे हैं डॉल्फिन की पॉपुलेशन बढ़ गई है स्पेशली जो इरावादी डॉल्फिन है इसकी भी हम बात कर रहे हैं इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है लेकिन इरावादी की डबल नहीं हुई है आपकी जो पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा हो रही है वो है हम्प बैक डॉल्फिन्स हम्प बैक डॉल्फिन पहले दो ही देखी गई थी और अभी ये आपका 281 देखी जा रही है ठीक है ना एकदम से इतना ज़्यादा क्यों हो गया तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम्प बैक आपकी डॉल्फिन्स हैं ये मूवमेंट में रहती हैं ठीक है पूरे इंडियन ओशन रीजन में मिल रही है स्पेशली इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन रीजन एंड इन द वेस्टर्न साइड जो आपका अफ्रीका वाला जो कोस्ट है वहां पे भी मिलेंगी तो डॉल्फिन के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं अगेन वन मोर न्यूज इज देयर जिसमें ये कहा जा रहा है इंडस और गैंजेटिक जो रिवर डॉल्फिन है ये टू डिफरेंट स्पीशीज है पहले एक बार डॉल्फिन को देखते हैं फिर इस न्यूज़ पे आएंगे क्या पूछ सकता है आपसे डॉल्फिन डॉल्फिन इंपॉर्टेंट क्यों है एक तो ये न्यूज़ बार बार आ रही है एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में मैंशन किया था जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है वैसे हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन ला सकते हैं दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है रिवर डॉल्फिन क्या है रिवर डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो इंडस वाटर है इंडस और गेंजेटिक डॉल्फिन्स हैं ये क्या हैं रिवर वाटर डॉल्फिन हैं और इनका जो आपका स्टेटस है अगर हम बात करें गेंजेटिक डॉल्फिन की तो गेंजेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है ओके IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है मतलब ये थ्रेटन्ड आपकी कैटेगरी में रहेगी एंड नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का ओके इसे भी ध्यान रखिए और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स एंडेंजर है ये हमने देख लिया इसको प्रोटेक्शन दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के Schedule 1 में Schedule 1 के अंदर प्रोटेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपका दिया गया है डॉल्फिन्स को नेक्स्ट है आपका अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज तो ये एक माइग्रेटरी स्पीशीज भी है ओके CMS के अंदर दिया जा रहा है CMS का लेटेस्ट एडिशन कहाँ हुआ था ओके अभी गांधीनगर में हुआ है लेटेस्ट वन इज देयर और इस वजह से CMS भी इम्पॉर्टेंट है
फाइन, साइट्स के अंदर में इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है. एंड द थिंक इज दैट सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव जो है वहाँ पे काफ़ी सारी इरावादी डॉल्फिन्स आपकी मिलती हैं. इरावादी रिवर है आपका, ओके, यू हैव दैट म्यांमार एंड ऑल, उस तरफ भी आपका मिल रहा है. इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी को भी ध्यान रखना है, कहाँ पे है, भागलपुर बिहार के अंदर. ओके, नाम क्या है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी. वैसे हम कई बार इसको कर चुके हैं लेकिन बार बार न्यूज़ में है इसलिए एक बार और देख लेते हैं. दिस इज़ द लोकेशन. क्यों यहाँ पे आपने ये आपने गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी को डिक्लेयर किया, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओके, डॉल्फिन्स का. सो टू प्रोटेक्ट, ओके, दिस पॉपुलेशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया गया है. नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, हम देख चुके हैं. फाइन, अब हम इस न्यूज़ पे आते हैं. ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने अभी जो क्लासिफिकेशन है स्पीसीज़ का उसमें इंडस और गैंजेटिक जो रिवर डॉल्फिन है, ओके, इनको आपने टू सब स्पीशीज़, ओके, सब स्पीशीज़ के रूप में क्लासिफाई किया है, जबकि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग स्पीशीज़ के रूप में क्लासिफाई होना चाहिए. क्यों, बिकॉज ऑन द स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में. ओके, दे डाइवर्स्ड अराउंड 550,000 ईयर्स अगो, इतने सालों पहले दोनों अलग हो चुके हैं, तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ के रूप में क्लासिफाई होने चाहिए रादर देन सब स्पीशीज़. ओके, इनकी जो बॉडी ग्रोथ है, स्कल की मॉर्फोलॉजी है, मतलब बॉडी का जो कंपोजिशन है, डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस देखा और ये कह रहे हैं कि अलग अलग इनको क्लासिफाई कर दो टू डिफरेंट स्पीशीज़ के रूप में. दोनों इंडस वाटर जो है और गैंजेटिक डॉल्फिन है, दोनों एंडेंजर्ड हैं. और गैंजेटिक डॉल्फिन की हमने बात कर ली है, साइट्स और उसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये अभी हमने देखा है. फाइन, चिल्का लेक वाला हम देख ही चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. एंड ओके, दिस मच यू शुड नो. फाइन, इरावादी जो है आपके चिलिका में भी मिल रहा है और मैंग्रोव में भी मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. दिस इज़ अबाउट पोजिशन ऑफ ए डैम. ओके, मंगोत इज डियर. तो मेघालय के अंदर एक विलेज है जहाँ पे आपका डैम बनाया जा रहा है. ओके, यू हैव दैट मंगोत. ओके, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. ओके, मेघालय में ये है. और ये जो आपका मंगोट है, इसका जो वाटर है सबसे साफ वाटर, क्लियरेस्ट रिवर इन द कंट्री कंसीडर इसको किया जाता है. तो यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट बन रहा है. ओके, 210 मेगावाट का ये इलेक्ट्रिक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है. तो इस लोकेशन को ध्यान रखिए कि ये कहाँ पे है, मेघालय में है. न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये आपका डैम, यहाँ पे डैम को बनाने को लेकर अपोजिशन है. ये जो है आपका पार्ट है जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट. तो मेघालय अगर आप देखोगे, ओके, यू हैव दिस, तो ये आपका मेघालय है, गारो खासी जयंतिया. ओके, जयंतिया यहाँ पे आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द ट्राइब्स. तो जयंतिया ये बांग्लादेश से बॉर्डर भी इसका लग रहा है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है. ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे डैम बन जाएगा तो टूरिज्म आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, हमें नुकसान होगा. फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इसका विरोध किया जा रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है. इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं. देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर आप न्यूज़ देखोगे पिछले कई हफ्तों से, ओके, सो वन थिंग इज देयर, दैट इज़ दिस म्यांमार. अगर इंटरनेशनल रिलेशन का पेज आप देख रहे हो तो म्यांमार की न्यूज़ है, जहाँ पे आपको पता है कि जो मिलिट्री है उसने कू कर दिया है, मतलब मिलिट्री ने अपने हाथ में पावर ले रखी है. ओके, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो इलेक्शन वहाँ पर हुआ था, जो इलेक्शन जीती थी सूकी की पार्टी जो थी, उनको उन्होंने डिटेन कर रखा है और उन्होंने, मिलिट्री ने कहा कि फ्रॉड हो रखा है. तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है. ओके, काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ओके, डेमोक्रेसी वहाँ पे वापस लाई जाए, इसकी बातें हो रही है. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी देखिए, 80 किल्ड देयर इन द लेटेस्ट वन. ओके, तो ये जो वायलेंस हो रहा है इसकी वजह से लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं, वहाँ से बच के भाग रहे हैं. और इंडिया का जो है, इंडिया बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से, तो इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है रिफ्यूजी वाली. ओके, ये न्यूज़ पहले हमने डिस्कस की थी कि इंडिया के अंदर आपके यू हैव दैट मणिपुर और ये जो पार्ट हैं, ओके, मिजोरम है, मणिपुर है, तो यहाँ पे ये जो लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का अलग स्टांस है. कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट कह रही है चलो हम इन्हें रिफ्यूज़ देते हैं, ओके, इनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो देते हैं. कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट इन्हें वापस भेज रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे एक जो है क्या पोजीशन होना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं. तो यहाँ पे हम एक एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं जो कल आपके न्यूज़पेपर में था, उसको हम डिस्कस करते हैं. दिस इज़ अबाउट द रिफ्यूजी प्रॉब्लम. बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है, बहुत ही समराइज्ड वे में है, हालांकि देखने में बड़ा लग रहा है
लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो मेजर जो पॉइंट है, दो तीन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, रिफ्यूजी प्रॉब्लम आपकी ऐसा नहीं है कि आज ही इंडिया फेस कर रहा है, हमेशा से फेस करता रहा है, आने वाले टाइम में भी इंडिया फेस करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का जियो पॉलिटिकल लोकेशन है शायद। आप देखिए, एक तरफ यू हैव दैट म्यांमार एंड ऑल, ओके, फिर आपका इधर बांग्लादेश भी है, फिर इधर श्रीलंका भी है, तो कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली इंडिया ये फेस करेगा। तो क्योंकि इंडिया का जियो पॉलिटिकल, ओके, इकोनॉमिक, एथनिक, रिलीजियस कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन, उसकी वजह से ये आप फेस करोगे, ठीक है ना, रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम। अब इलीगल जो इमिग्रेशन है, ठीक है, ये हमेशा से थ्रीट रहा है इंडिया के लिए, चाहे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे आपका डेमोग्राफी को चेंज करने का हो, वहाँ पे सोशल कंटेक्स हो, उसको एक चेंज कर रहा है, ठीक है ना, सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को चेंज कर रहा है। तो इलीगल इमिग्रेशन हमेशा से थ्रीट रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन अब इंडिया का जो भी यहाँ पे इंडिया के लॉज हैं जो इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी इलीगल इमिग्रेंट को डील कर रहे हो, ओके, उसको कन्फ्यूज कर रहे हो रिफ्यूजी से। ओके, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो लॉ है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को, रिफ्यूजी को बराबर कंसिडर कर रहा है, जबकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, रिफ्यूजी कौन होता है? मान लीजिए म्यांमार में जो लोग हैं वो वायलेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जान पे खतरा है, तो अपनी जान बचाने के लिए, मतलब आउट ऑफ कंपल्शन, मजबूरी में अपना घर छोड़ रहे हैं और यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं, दैट इज दिस रिफ्यूजी, उसको रिफ्यूजी कंसिडर किया जाएगा, उनके पास चॉइस नहीं है। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स अपना कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, ओके, टू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं टू गेट द बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वट एवर इट कुड बी, ओके, तो उन्हें आप कह रहे हो इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट्स में इलीगल इमिग्रेंट क्यों हैं जो कि इस तरह से फर्जी तरीके से घुस जा रहे हैं? तो इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर एक तरह से बर्डन के रूप में है, ठीक है। रिफ्यूजीज जो हैं ये जेन्युइन लोग हैं जिनको आपकी हेल्प चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के अंदर दोनों को जो है, ओके, बोथ कैटेगरीज ऑफ द पीपल आर व्यूड एज वन, दोनों को सेम कंसिडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये जो है, बोथ ऑफ दीज पीपल और द कैटेगरी आर कवर्ड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946। आपका जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, इसके अंदर दोनों आपके कवर हैं, ठीक है। एक एक्ट आपने बना दिया जिसके अंदर ये दोनों लोग कवर हैं। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है, यू हैव दिस इलीगल इमिग्रेंट और रिफ्यूजी, दोनों को आपने फॉरेनर एक्ट में कंसिडर कर दिया है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ फॉरेनर, फॉरेनर मीन्स जो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है, रिफ्यूजी भी इंडियन सिटीजन नहीं है, और इलीगल जो इमिग्रेंट है वो भी इंडियन सिटीजन नहीं है, फाइन। तो इस वजह से ये जो आपका प्रॉब्लम है, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कि ये कन्फ्यूजन जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इलीगल इमिग्रेंट्स में हमें एक्ट करना चाहिए, लेकिन रिफ्यूजीज ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही जेन्युइन, मतलब हेल्प चाहिए और हमें यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ट्रेडिशन रहा है, ओके, हमेशा से, दिस इज द वन थिंग। अब सेकेंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रिफ्यूजी कन्वेंशन। 1951 की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसकी पार्टी इंडिया नहीं है, ना ही इसके प्रोटोकॉल को इंडिया ने साइन किया हुआ है, ओके, जो रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की आपकी बात कर रहा है, ओके, ये लीडिंग आपका इस तरह से कन्वेंशन है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। रीज़न क्या है, क्यों साइन नहीं किया है? क्योंकि जो प्रेजेंट इसका जो कन्वेंशन का प्रेजेंट जिस तरह से मैनर है, जिस तरह से ये कन्वेंशन बनाई गई है, वो वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन है इंडिया के और वो जेन्यून है, ठीक है ना, उस कंडीशन में इंडिया साइन नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ द थिंग, कुछ रीज़न यहाँ पे दिए गए कि क्यों इंडिया ने साइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजीज इन दिस कन्वेंशन ओनली पर्टेंस टू द वायलेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इसके अंदर क्या है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रिफ्यूजीज कौन होंगे, जिनके सिविल या पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, ठीक है ना, जिनकी सिविल लिबर्टीज पे, पॉलिटिकल लिबर्टीज पे आपका इस तरह से उनको ब्लॉक किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा है, ओके, उसके इकोनॉमिक राइट्स जो हैं उनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो उसको आप रिफ्यूजी कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो इंडिया यही कह रहा है कि यार ये डेफिनेशन आपने इतना वो क्यों बना रखा है, डेफिनेशन बनाया है तो इकोनॉमिक राइट्स अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं उसको भी इंक्लूड करो, लेकिन उसको इंक्लूड करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके, प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग वहाँ पे आके इस तरह से आने लग जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक राइट्स के वायलेशन होने से इंडिया को भी मे बी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, क्योंकि जब रिफ्यूजीज इंडिया में आएंगे देन वी विल हैव टू अरेंज, ओके, समथिंग फॉर देयर, ओके, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और इंडिया तो खुद ही इस बर्डन को फील कर रहा है। सिमिलर थिंग इज देयर, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इसलिए इसको नहीं करना चाह रहे हैं।
तो इंडिया ये कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न राइट्स है इसको भी आप इंक्लूड कीजिए, इसको क्यों इंक्लूड नहीं किया है डेफिनेशन में? ऐसे लोग जिनके इकोनॉमिक राइट्स का वायोलेशन हो रहा है वो अगर खुद का देश छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको भी रिफ्यूजी में कंसिडर कीजिए, और ये बहुत मुश्किल है कि वेस्टर्न कंट्रीज इस पर एग्री होंगे। सेकेंड प्रॉब्लम ये है, देयर एक्सेशन इज कंडीशनल ऑन द वेस्टर्न स्टेट्स रोलिंग बैक टू द नो एंट्री रेजीम। ओके, अब प्रॉब्लम ये है, इंडिया ये कह रहा है कि आपने नो एंट्री रेजीम लगा रखा है, जिसमें आपने बहुत सारी जो है कंडीशंस लगा रखी हैं, ठीक है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इंडिया भी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है अपने हिसाब से चाह रहा है कि इस कन्वेंशन में हमें कुछ इस तरह से किया जाए जो इंडिया की कंडीशन के लिए बेटर है, तो वो ये एग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंडिया यहाँ पे इसको साइन नहीं कर रहा है। सो द पर्पस इज दैट एक्सेशन टू द रिफ्यूजी कन्वेंशन, अगर हम रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन करते हैं, सो इन द मैनर इट एग्जिस्ट, ओके, दिस इज नीदर डिजायरेबल नॉट प्रैग्मेटिक। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं जिस तरह से आज ये रिफ्यूजी कन्वेंशन एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया इसको साइन नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया के जब तक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसिडर नहीं करोगे तब इंडिया क्यों इसको साइन करेगा, ठीक है, ये रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम, ये जो रिफ्यूजी वाला इशू है, इसको डील कैसे करें, इंडिया कैसे इसको इशू को डील कर सकता है। सो द सिचुएशन इज दैट एट प्रेजेंट आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है नहीं, इंडिया में एब्सेंस है, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि रिफ्यूजी आएंगे तो उनको इस तरह से डील करना है, ना इंडिया ने इस रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन कर रखा है, तो एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग इस तरह से वो है, ना कोई आपका लॉ बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिसीजन लिए जाते हैं कि किसे हमें फेवर करना है किसे नहीं करना है, ओके, वो किस बेसिस पे लिए जा रहे हैं, वो एडहोकिज्म पे, ओके, एडहोकिज्म पे मतलब ऑन द स्पॉट लिए जा रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, ओके, जियोपॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे इंडिया अभी ओके मे भी सोच रहा है कि अगर हम जो लोग आ रहे हैं उनको, रिफ्यूजीज को, ओके, अगर हम इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं तो म्यांमार की जो जनता गवर्नमेंट है, ओके, अभी तो मिलिट्री ही है, तो उससे हमारे रिलेशनशिप जो है डिक्लाइन हो सकते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। सो मे बी इंडिया इज हैविंग द इशू रिगार्डिंग दैट, तो जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस वहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। तो आप ये जो डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, रिफ्यूजी पॉलिसी आपकी है नहीं, डिसीजन ले रहे हो आप एडहोकिज्म, मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब जैसे प्रॉब्लम आई उस हिसाब से आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लिया, ठीक है, कि आपकी पॉलिटिक्स को डोमेस्टिक पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपकी पॉलिटिक्स को वो इशू सूट करता है नहीं करता है, उस हिसाब से आपने यस कर दिया, उस हिसाब से आपने नो कर दिया, फाइन। जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे म्यांमार है वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, वो कंट्री नाराज ना हो जाए, समथिंग लाइक दिस, तो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी रहेंगे। तो कहने का मतलब है मेन प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट कि हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो सबसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ही इज सेइंग दैट अ न्यू डोमेस्टिक लॉ इज नेसेसरी, नया एक डोमेस्टिक लॉ बना दीजिए, द एब्सेंस ऑफ द रिफ्यूजी लॉ इंसेंटिवाइज द इलीगल इमिग्रेशन, पॉलिटिसाइज द इशू ऑफ दिस रिफ्यूजी प्रॉब्लम, इसका पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है, क्योंकि एक कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है, अगर लॉ होगा तो लोगों को पता होगा इस हिसाब से ये एक्ट किया जाएगा, फाइन। सो हियर लाइज द सॉल्यूशन, एक नया डोमेस्टिक लॉ लाया जाए टू टेकल द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, एंड देयर मस्ट बी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेम्पररी माइग्रेंट एंड द रिफ्यूजीज, ओके, जो इलीगल माइग्रेंट है और रिफ्यूजी हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने की भी ज़रूरत है, और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हो, मतलब एक लॉ ला सकते हो जहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए। ये जो है बहुत अच्छा है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिन्होंने लिखा है वो JNU में आपके प्रोफेसर हैं, ही टीचेज इन द JNU, फाइन। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टूडे, दिस इज ऑल फॉर टूडे, एंड आज आपका 11 बजे ये टेस्ट होगा। अभी हम कुछ MCQs करेंगे, ठीक है, कुछ MCQ हम कर रहे हैं, आई थिंक वी कैन टेक दिस MCQs। आज 11 बजे ये टेस्ट है, और चैट बॉक्स में आपका लिंक पिन है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड यूज द कोड दैट इज RBLIVE टू गेट एक्सेस ऑफ दिस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। कुछ क्वेश्चन है फटाफट से आंसर कर लीजिए। या दिस इज विजिबल, इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही है, 3 स्टेटमेंट है, इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरिया विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, ये सब। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, कमर्शियल माइनिंग सॉ मिल्स कैन बी परमिटेड, क्या ये परमिटेड हैं। इको सेंसिटिव जोन्स आर नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, क्या इस एक्ट में इनको नोटिफाई किया जाता है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नोटिफाई किया जाता है, किस एक्ट में इनको
नोटिफाई किया जाता है, व्हाट शुड बी द आंसर, फटाफट से बताइए। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आएगा ये आपका 10 किलोमीटर होता है, ठीक है ना, कई बार हमने देखा है इसको 10 किलोमीटर होगा, 20 नहीं होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही फर्स्ट गलत है आपका ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, और ये सब तो कमर्शियल माइनिंग ये तो परमिट होती ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर मतलब ही क्या हुआ डिक्लेरेशन करने का। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज सी, ठीक है, सी आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे अबाउट द न्यूट्रिनोज, ठीक है, न्यूट्रिनोज के बारे में है। अबाउट द न्यूट्रिनोज दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड हाइएस्ट नंबर ऑफ, ओके, क्या ये सबसे ज्यादा अबंडेंट पार्टिकल हैं विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी से इस तरह से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ये कोई चार्ज कैरी नहीं करते हैं, दे कैन इंटरेक्ट विथ मैटर विथ वेरी ईज, ईजिली मैटर से इंटरेक्ट कर जाते हैं। तीन स्टेटमेंट है, न्यूट्रिनोज को लेप्टॉन्स भी कहते हैं, अभी हम पढ़ के आए। तो एक चीज तो आपको पता चल रही होगी अभी पढ़ के आए हैं कि कैरी नहीं करते हैं कोई चार्ज, दैट इज फॉर श्योर, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। क्या ये ऐसे पार्टिकल हैं जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी, हमारे बॉडी से तो फोटोन्स आ रहे हैं ना, लाइट पार्टिकल्स, फोटोन्स आते हैं सबसे ज्यादा हमारे इस तरह से उसमें, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होता है तो आप इसको हटाइए, और फिर थर्ड क्या है, दे इंटरेक्ट विद द मैटर वेरी इजीली, अगर इतना इजीली इंटरेक्ट करते मैटर से तो इनको बहुत इजीली डिटेक्ट भी किया जा सकता था। फिर आपकी जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है ना, वो बनाने की क्या जरूरत थी, जैसे तमिलनाडु में अभी बन रही है ऑब्जर्वेटरी, तो ये बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं, बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं, इसीलिए तो आप इतना बड़ा वो लैब बना रहे हो, अंडरग्राउंड लैब बना रहे हो इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हम इस क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में करते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे ये आपकी क्लास हो रही है 8 PM पे, आज भी आपकी क्लास रहेगी, आई विल शेयर द लिंक अराउंड 10 AM 10 बजे के आसपास आपका ये लिंक शेयर हो जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। सो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट गाइस।